सॉरी फालतू, तुझे इतनी रात को डिस्टर्ब किया। पर डिस्टर्ब किया ही क्यों, बापू साहब सो रहे हैं। तू चला हमारे साथ, हमें और भी कुछ पता चला है। अयान दरवाजा खोलो। अयान, अयान क्या हुआ तन्नू, तुम चिल्ला क्यों रही हो? बाबा अयान ने मुझसे कहा था कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहता है, वो स्टडी का खोलकर बाहर गया था और अब दरवाजा नहीं खोल रहा है। क्या अयान, अयान दरवाजा खोलो। मोबाइल। अयान आयु बेटा, क्या हुआ भाई साहब, इतनी रात गए आप, अयान को आवाज क्यों दे रहे? अयान अंदर अपने कमरे में है और दरवाजा नहीं खोल रहा। ओह माय गॉड, कहीं स्ट्रेस में आके उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? वैसे भी आप बोल रहे थे ना उसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि उसने अपने आप को। बकवास बंद करो। आयु भाभी मेरी बात सुनिए, भाभी आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कुछ पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई हो। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास स्टडी रूम की डुप्लीकेट कीज़ है, मैं अभी लेकर आता हूँ। चलिए 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 अभी ये लीजिए। हाँ चलिए। इसको यही जगह मिली थी सोने के लिए, मेरी पूरी ब्यूटी स्लीप खराब कर दी। यू नो मुझे तो लगता है जो भाई साहब बोल रहे हैं वो सही है, सच में इसका दिमागी संतुलन। जैसे कि अब पहले की जो सीन्स हुए हैं जिसमें अयान ने बाबा से कहा है कि उनको आखिर में बात करनी है उन दोनों को, बट उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, उसने बाबा को किस तरीके से मना लिया है कि उसने उस वीडियो में क्या देखा था और वो किस लिए वो हनीमून छोड़कर यहाँ आ गया है, तो उस बारे में पता नहीं क्या बाबा से उसकी बात हुई है और इसी रीज़न की वजह से वो उसने दरवाज़ा लॉक कर लिया है। बट अभी देखते हैं अभी दरवाज़ा खोल कर अयान अंदर है या नहीं। हाँ, क्योंकि अयान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था लास्ट कुछ दिनों से, फालतू की जो वो वीडियो देख ली उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उस वजह से उसने अपने को शायद लॉक कर लिया है, तो वो तभी दरवाज़ा खुलने के बाद ही पता चलेगा। फालतू परेशान है क्योंकि एकेडमी में जो उसकी वीडियोस बनी है तो उसको कहीं ना कहीं ये डाउट है कि विशाल को मैंने भेजा है, तो उसको ये पता चल चुका है, तो अभी देखते हैं फालतू अब क्या करेगी। जी सभी बहुत परेशान है और हमने अभी कहा है कि अयान बाबा ने जैसे कहा है कि अयान को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो अभी मैं उसमें उसकी सपोर्ट करना चाहती हूँ बस, कि काउंसलिंग में अयान को मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं अभी अयान के साथ रहूँगी और मैं भी खुश हूँ कि अयान को एटलीस्ट ये नहीं पता चला है वीडियो के बारे में कि फालतू नहीं, अयान नहीं फालतू की मांग में सिंदूर भरा था। अभी वो मुझे जानना है कि अयान को सच में ये बात पता चल चुकी है या नहीं।